मेरी प्यारी माँ, की बोला मैं तेरे लिए, मेरे ते बोल ही मुक जाते हैं। अगर गल करा उस समय की, सन 96-97 की, जो मम्मी डैडी होनी मेरे स्कूल पहुँच गए सी, बहुत रोया सी मैं उदो, मगर वो माँ ही सी जिहड़ी टीचर वाली कुर्सी पर बैठ के कहिंदी कि मैं इत्थे ही पढ़ाऊंगी बैठ के, तू फिक्र ना कर। मैनू हौसला दे के दुनियावी जीवन की शुरुआत करवाई सी उन्होंने, मगर की पता सी 1998 का वो दिन आवेगा जिस बारे असी कदी भी नहीं सोचा सी। जो मम्मी ने उन्होंने ऑपरेशन लिए दिल्ली अस्पताल में दाखिल करवाया गया, ब्रेन ट्यूमर सी उन्होंने, मैं उदो मसा 4 साल का सी, सोचा सी मम्मी चंगे हो गए घर परतणगे, मगर की पता सी कि उन्होंने हालात इवें हो जाएगी कि वह तुरन फिरन तो भी असमर्थ हो जाएंगे। वो समा बड़ा ही कठिन सी, बड़िया औंकड़ा देखिया उस समय। मम्मी के इदा होने जिंदगी कई समस्यावान का सामना करना पड़ा, क्योंकि एक माँ प्यो ही होंगे जेडे बच्चों तक कि दुख तकलीफ में नहीं आने देंगे, मगर मम्मी के इदा होने के डैडी का भी हौसला टुट गया है। बहुत मजबूत सी डैडी होनी, मगर जिंदगी के हालात बंदे नूं कमजोर बना देंगे, क्योंकि माँ तो मेरे प्यो का पक्का साथी सी। एक साथी के इदा होने नाल दूजा टुट जाता, मगर डैडी ने कभी हार नहीं मनी, बहुत मेहनती सी, असी तो उन्होंने पैरों की धूड़ बराबर भी नहीं। यह जिंदगी सी जिहड़ी चल रही सी, मगर एक पासे मेरी माँ सी जिन्हों कर्मा ने असमर्थ कर दिता हुआ सी। समा चलता रहा, असी वड्डे होए, मगर मम्मी की हालत विच कीड़ी जिन्ना भी फर्क देखण नूं नहीं मिलता सी। समा लंघिया, मम्मी ने कंधां दे सहारे तुरना शुरू किया, मगर पूरी तरह ठीक होने की रफ्तार बहुत मध्यम सी। कभी सोचा नहीं सी कि साड़ी माँ जो 4 जणे का काम इकली कर लेंदी है, उहदे नाल किस्मत यह खिलवाड़ करेगी। एक असमर्थ इंसान ही यह दर्द समझ सकता है, साढ़े वर्गे 2 दिन मंजे ते पै जाना ते बंदा खिज जाता, मगर धन सी मेरी माँ जिन्हें यह संताप झल्लिया। समा बीतता गया ते 25 मई 2015 का वह माड़ा दिन चढ़िया जदों डैडी हुणी सानू अचानक दुनिया तो हमेशा लई छड्ड के चले गए। 21 साल का सी मैं उदों, धन वह औरत जिहड़ी पहला ही इन्ना दुख सहार रही सी, उहदा साथी उहनू छड्ड के चला गया। यह दुख उही समझ सकदा जिस नाल चीज बीती हो। माँ अक्सर कहती होंगी सी, जिस तन लागे सोई जाने कौन जाने पीर बराई, रब ना करे इहो जिहा समा कदी किसी वैरी दुश्मन ते भी आवे। समा अपनी रफ्तार नाल चली जा रहा सीगा, मगर मम्मी दे हालत विच इन्नी सुधार नहीं सीगा आ रहा, सगो दिन प्रति दिन वीक जे हो रहे सी। फिर अप्रैल 2021 मम्मी अचानक ज़्यादा ढिले हो गए, इनफेक्शन जी हो गई सी, 3-4 दिन तो बिल्कुल भी सुरत नहीं सी, ना कुछ खाण ना पीण। मगर गुरु रामदास पातशाह जी की कृपा नाल 1 महीने दे विच ठीक हो गए, मगर शरीर विच इन्नी कमजोरी आ गई कि लत्तां बिल्कुल भी भार नहीं सी चलदियां। यह बहुत कठिन समा सी जदों पूरी तरह मंजे ते पै गए, जो भी शरीरिक किरिया सी वह सब मंजे उपर ही सी। उस समय अहीं दोवें भरा ही हुंदे सीगे मम्मी कोल, वड्डे वीर दी ते मेरी जिम्मेवारी हुंदी सी। वड्डा वीर बाहर दा कम देखदा सी ते मैं मम्मी कोल ही ज़्यादातर हुंदा सीगा। कदी ये नहीं सी सोचा अगे लाइफ विच की करना की होवेगा, जद कदी भी थोड़ा बहुत मन विच आ जांदा सी मम्मी ने कहना फिकर ना कर मैं हैगी हाँ ना, मैं गुरु नानक अगे अरदास करांगी कि मेरे पुत्र नूं कदी किसी चीज़ की कमी ना आवे। मैनूं याद आ एक बार मम्मी ने कहा मैनूं बिस्कुट लिया दे, जो मैं परस में पैसे देखे तो 20 रुपए सी बस, मैं पैसे लैके चला गया, परस मम्मी को ही पै रह गया सी। जो मैं वापस आया तो देखा मम्मी मेरा परस फड़ के रो रहे पे सी, कहिंदे मेरे पुत दा परस खाली है। बड़िया असीसां दित्तियां ते कहा अज तो बाद नहीं कभी खाली होगा। वो माँ दी असीसां घिओ वांगू लगियां। जिंदगी विच एक माँ प्यो ही ऐसे हन जिन्हां दी असीसां बंदे नूं तार दिंदियां। माँ दी असीसां सदका अक्तूबर 2021 विच एक चंगा मैनूं जीवन साथी मिलिया, क्योंकि हमेशा माँ कहिंदी हुंदी सी सब कुछ वधिया मिलेगा।
फिक्र ना कर, सबर रख, चंगा जीवन साथी मिलना। उन्होंने माँ पुता ने दोवां नूं सांभिया। ये मेरी माँ दियां सीसां ही सी जिहड़ा मैनूं इन्ना चंगा ते समझण वाला जीवन साथी मिले। इस करके कदी माँ प्यो का दिल ना दिखाओ, क्योंकि माँ प्यो विच रब वसदा। अगर रब नूं खुश करना है ना, पहला माँ प्यो नूं खुश रखो, उन्हां दी सेवा करो, उन्हां दा कदी भी हिरदा ना दिखाओ। समा इदां ही बीतदा रहा, मगर पहला दी तरह मम्मी दे शरीर विच कोई बेहतरी नहीं सी। आखिर उस भागा समा आ गया जिहदे बारे कदी भी नहीं सी सोचिया। 30 दिसंबर 2022 सवेरे 8:30 बजे मेरी माँ ने अपने आखिरी साह लए ते अकाल पुरख ने चरणा च उहदे जाग राजे। मम्मी ने जो जो गल्लां आखियां सी, जो भी पहला गल्लां आखियां, जिन्हां बारे भी कहियां सी, सब सच होईआं। मैनूं याद आ मम्मी एक दिन पहला दे आखिरी शब्द सी जदों मैं मम्मी नाल गल कीती, जदों मैं कहा, मैं अक्सर ही कहना ते उदन भी मैं यही गल कही, तू मेरा पोतिया ना, तो कहने हाँ मैं तेरा पोतिया। बस लास्ट मम्मी दे इहो ही अक्खर सीगे, क्योंकि मैं अक्सर उन्होंने पोती ही कहिंदा हुंदा सीगा। 26 साल का समा पता नहीं मम्मी ने किवें लंघाया होगा, पता नहीं किहड़े कर्मां दा लेखा सीगा जो इन्ना उन्होंने संताप झल्लिया। माँ प्यो दी सदा ही लोड़ हुंदी आ, मगर की करिए, रब अगे किसे दी नहीं पेश चलदी। मम्मी बड़ी याद हुंदी तुहाडी। मेरे कान निक्के होए सुनन नूं तरस जांदे आ, घर भी सुनना सुनना जिहा लग। सब तो ज्यादा प्यार किन्नू कर दे तुसी? बस